पियो, क्या जरूरत थी ये सब तमाशा खड़ा करने की? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई डाइनिंग टेबल पर मेरे सामने बैठकर मुझसे झूठ बोला? पेरेंट्स को झूठ बोलना उल्लू बनाना इट सीम्स दैट वेरी इजी फॉर यू। कितनी आसानी से सबके सामने तुमने कह दिया स्कूल में सब कुछ ठीक गया, सब लोगों को तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी लगी। कौन है तुम्हारी मम्मी? सुनिधि? हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता पीहू तुम ऐसा करोगी। इट्स अ शेम, ये सब सीखते हो तुम स्कूल में? देखिए आप रहने दीजिए, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, आइंदा नहीं करेगी। उसने माफी मांगी? मुझे तो सुनाई नहीं दिया। इतनी बड़ी गलती की उसने, सुनिधि को अपनी मां बनाकर स्कूल लेकर गई, तुमसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, क्यों क्यों क्यों? अपनी मां को स्कूल ले जाते हुए शर्म आती है तुम्हें? आप क्यों कह रहे हैं? नो प्लीज, आप रहने दीजिए, वो नहीं करेगी। शायद गलती मेरी है कि मैं अपने बच्चों में मुझे लेके वो विश्वास पैदा कर ही नहीं पाई, इसीलिए वो शायद मुझे स्कूल ले जाने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वाह प्रतिभा जी, वाह। वैसे किस विश्वास की बात कर रही हैं आप? और अब तक किस वक्त का इंतजार हो रहा है? इतने टाइम में आप अपने ही बच्चों में विश्वास पैदा नहीं कर पाई? रहने दीजिए, ये सब रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा। अगर सुनिधि अगर मुझे सब कुछ नहीं बताती तो आप दोनों मां बेटी ऐसे निकल जाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं मानती हूं इसमें मेरी गलती है। मुझे और कुछ सुनना सुनाना नहीं है। कल पीयू तुम अपनी मां को स्कूल लेकर जाओगी और प्रिंसिपल को सब कुछ सच बताओगी। मुझे और कुछ सुनना सुनाना नहीं है। सुना तुम दोनों ने?